अब बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। नाउ द फादर डज नॉट मेक यू सफर एनी ब्लोज। क्या? वॉट? यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, कोई धक्का खाने की बात नहीं है। गो हियर, गो देयर, डू दिस, डू दैट, देयर इज नो नीड ऑफ सफरिंग एनी ब्लोज। कौन धक्का नहीं खिलाते? हु डज नॉट मेक यू सफर ब्लोज? बाप धक्का नहीं खिलाते। द फादर डज नॉट मेक यू सफर ब्लोज। भाग दौड़ करने की बात नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग अराउंड। एक बार परिचय मिल गया तो कहीं भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को याद करते रहो। वंस यू हैव रिसीव्ड द इंट्रोडक्शन देन हैव अ फेथफुल इंटेलेक्ट एंड कंटिन्यू टू रिमेम्बर द फादर एनीवेयर। वातावरण सुधरता रहेगा। द एटमोस्फियर विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। वातावरण सुधरेगा। When the atmosphere improves, पवित्र वातावरण बनेगा। When the pure atmosphere is made, तो अपवित्र आत्माएं स्वतः ही आकर के शांति और सुख की भीख मांगेंगी। The impure souls will automatically come and seek the arms of peace and happiness. भक्ति मार्ग में तुम बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते रहे? In the path of devotion, you suffered so many blows in search of the father. इतना ढूंढा तीर्थ ठिकानों में, मंदिरों में। You searched so much in the pilgrimage centers, the places of worship, the temples. कहीं प्राप्त नहीं कर सके। You could not find him anywhere. बाप खुद कहते हैं। The father himself says, मैं तो बहुत गुप्त हूँ। I am completely hidden. इतना गुप्त हूँ। I am so hidden कि मेरे को कोई इन स्थूल आँखों से देख भी नहीं सकते। That nobody can even see me through these physical eyes. बल कितने भी दुनिया में धक्के खाते रहे। Although they may suffer blows to any extent in the world in search of me, इन आँखों से मेरे को कोई नहीं देख सकता। Nobody can see me through these eyes. इसलिए कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने की बात नहीं है। That is why it is said here it is not a question of having a glimpse, darshan. कोई कहते हैं हम तुम्हारे गुरुजी के दर्शन तो कर लें। Some say, let us have at least a glimpse of your Guruji. उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है। So, the point has not sat in their intellect. ये धक्के खिलाने वाला गुरु नहीं है। This guru is not someone who makes you suffer blows. दर्शन करने वाली बात ही नहीं है, वो तो ज्योति बिंदु है। There is no question of having a glimpse at all. He is a point of light. बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। He is the father of the point-like souls. आत्मा है ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु। Souls are points of light. The father is also a point of light. ज्योति बिंदु का बड़ा आकार बनाए दिया है सेवा और पूजा करने के लिए। A big form of the point of light has been prepared for worship. नहीं तो पूजा कैसे करें? Otherwise, how can they worship? भक्ति मार्ग में होती है पूजा। In the path of devotion, there is worship. और ज्ञान मार्ग में होती है याद। And in the path of knowledge, it is remembrance. किसकी याद? Whose remembrance? असली स्वरूप की याद। The remembrance of the true form. असली स्वरूप क्या है? What is the true form? मेरी आत्मा का असली स्वरूप भी ज्योति बिंदु। The true form of my soul is also a point of light. लेकिन पता कैसे चले? But how will you come to know? सभी मनुष्य आत्माएं तो ज्योति बिंदु है। All the human souls are indeed points of light. तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है? So, how will you know which point of light is the supreme soul? तो बताते हैं, मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ। So, he says, I come in the permanent chariot. जिस मुकर्रर रथ में आता हूँ, उस मुकर्रर स्वरूप को पहचान लिया, तो जैसे शिव बाबा को पहचान लिया। If you have recognized the permanent chariot in which I come, it is as if you have recognized Shiv Baba.